प्रश्न संख्या 366 श्रीमती ज्योति धुर्वे। प्रश्न नंबर 366 मंत्री महोदय, पहला पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्षा जी। एक तरफ हम जहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम ला रहे हैं, वही हम बड़ी बड़ी बातें किसानों के लाभ के लिए और किसानों को के लाभ को विकसित करने के लिए सरकार की बहुत सारी विभिन्न बातें देश के सामने आती है, जहां किसान बढ़ता हुआ बोझ और किसान के घटते हुए मूल्य, मौसम की पड़ती मार निश्चित ही उसके उत्पादन एवं प्रसंस्करण की प्रौद्योगिकी द्वारा क्या सरकार किसानों को बचाने के लिए एवं उनकी बुनियादी सुविधा को पूरे देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए क्या मंत्री जी ने ऐसे कोई ठोस नीति या नियम बनाए हैं और उन्हें किसान को राहत देने के लिए ऐसे कोई नए संशोधन नीति नियम बनाकर आने वाले समय में किसानों को जिंदा रखने के लिए, जो देश को जिंदा रखता है उसे जिंदा रखने के लिए माननीय मंत्री महोदय जी के सामने कोई ऐसे नियम हो तो मैं जानना चाहती हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद मंत्री महोदय। ये जो सवाल पूछा है वो देश में 1967 में एक पहली रिसर्च इंस्टीट्यूट तंजावर ने खड़ी की थी, इस बारे में ये सवाल है। ऑनरेबल मेंबर ने जो सवाल पूछा इसका और इसका इसमें बहुत अंतर है। ऑनरेबल मेंबर ये चाहती है कि कृषि उपज पर प्रोसेसिंग करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं या कुछ नई नीति तय की है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। वो स्कीम जो किसानों को मदद करने के लिए तैयार की है, इसमें पहले जो प्रोड्यूस किसान पैदा करता है इसके प्रिजर्वेशन के लिए, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस कम करने के लिए कुछ हम मदद कर सकते हैं, कोल्ड चेन डेवलप करने के लिए मदद हो सकती है, कोल्ड स्टोरेज करने के लिए मदद हो सकती है और साथ साथ प्रोसेसिंग करने के बारे में कुछ कदम उठाए थे, इसके बारे में भी कुछ की। वो स्कीम बागवानी के लिए अलग है, पैड़ी के लिए अलग है, गेहूं पर प्रक्रिया करने के लिए अलग है। माननीय सदस्य को इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन मैं उनको भेजने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये हर आइटम पर कुछ ना कुछ अलग किस्म की स्कीम आज भारत सरकार ने की है, जो हम उनको देकर इसका लाभ लेने की तैयारी हो तो हम इसे मदद करने के लिए तैयार हैं। दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे प्रश्न का माननीय मंत्री जी ने सभी किसानों या मुझे सेटिस्फाइड करने का आंसर तो नहीं दिया है, मुझे खेद है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है जो पूरी बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं यहां बनी हुई होती हैं, लेकिन लक्ष्य को यदि हम देखते हैं जहां वैज्ञानिकों की जहां भारी कमी है और उसके पदों की पूर्ति की बात यदि की जाए या पूर्ण की बात की जाए तो वहां भी 2012 जहां खत्म हो रहा है उसे भी वो बताते हैं कि 2012 में ये पद को भर दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसा मुझे नजर आता है कि किसानों को कहीं ना कहीं जो मर रहा है उसे और पूरी तरह से मार देना चाहिए। भारत सरकार का इतना बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जिसे चलाया जा रहा है IICPT के द्वारा, यदि क्या ये कितने ऐसे गांव को उन्होंने सही में सही तरीके से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या उन्होंने उस गांव को ऊंचा उठाया है, उस गांव को वाकई में उन्होंने विकसित किया है, और क्या देश के जहां बड़े बड़े संस्थान दो ही हैं, क्या अन्य ऐसे कोई जिले में जहां बैतूल जैसा मेरा जिला कृषि प्रधान है, जहां
पूछ लीजिए, प्रश्न पूछिए। ठीक है, धन्यवाद। मंत्री महोदय, इस संस्था में 28 साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है, इनमें से 10 पोस्ट भरे, बाकी पोस्ट भरे नहीं, क्योंकि ये संस्था का कंस्ट्रक्शन का काम आधा है। ये कंस्ट्रक्शन का काम 3 फेजेस में है, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम पूरा हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो ब्लॉक है इसका काम अभी शुरू हुआ है, और इसकी तीसरी जो फेस है इसके लिए अभी तक हमें ज़मीन मिली नहीं है, और इसलिए जहाँ ज़मीन हमारे हाथ में नहीं है वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेबोरेटरी अभी तक पूरी हुई नहीं, तब तक हम ये साइंटिफिक ऑफिसर वहाँ अपॉइंट करके उनको काम करने का मौका कैसा दे सकते हैं, ये समस्या हमारे सामने है, और इसलिए हम ये काम पूरा होने के बाद ये सभी पोस्ट भरेंगे और यहाँ कोई रिक्त पोस्ट नहीं रखेंगे। श्री पी पी चौहान।